आपका क्वेश्चन है, वन डे राहुल डिसाइडेड टू गो हिज ऑफिस बाय हिज कार। ही एंजॉयड हिज ड्राइव बाय लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स। हिज कार इज मूविंग अलोंग अ स्टेट रोड एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 150 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स। ठीक है ना। अब देखो आपके क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू वी कैन से डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस देखो कितना दिया इसने, 150 मीटर्स एंड टाइम दे हैव गिवन 5 सेकेंड्स। तो वी कैन से 150 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 30। तो 30 मीटर्स पर सेकेंड इज द स्पीड। तो वो देखो 30 कहां पर है हमारा, यहां पर है। नाउ फिर इसने क्या पूछा, हाउ फार डज ही ट्रेवल इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो यू कैन सी इन 5 सेकेंड्स 150 मीटर्स। तो 5 सेकेंड्स के अंदर वो ट्रेवल कर रहा है 150 मीटर्स। तो 1 सेकेंड के अंदर कितना ट्रेवल करेगा, 150 बाई 5 दैट इज योर 30, 30 मीटर्स ओनली ही विल ट्रेवल। ठीक है, तो वी कैन गो फॉर 30 मीटर्स। फिर इसने क्या पूछा, हाउ फार डस इट ट्रेवल इन 6 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड के अंदर 30 मिनट्स है, 30 मीटर्स है, तो 6 सेकेंड्स के अंदर कितना होगा, 30 × 6 दैट इज इक्वल टू 180। तो 180 मीटर इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो 180 देखो कहां पर है आपका, यहां पर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, हाउ डज इट टेक्स टू ट्रेवल 240 मीटर्स। 240 मीटर्स को ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। तो वी नो दैट द स्पीड इज हियर, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड दे हैव गिवन 30, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस दे हैव गिवन 240। तो 240 बाई टाइम टी, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट टी इज इक्वल टू 240 बाई 30। 0 0 गॉन, तो डिवाइड करो तो यू विल गेट 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो 8 सेकेंड इज हियर, तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसने देखो क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इज हायर देन स्पीड। सपोज अभी हम इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज हायर देन स्पीड, तो वेलोसिटी स्पीड से ज्यादा होती है क्या, नो no. ठीक है, तो वी कैन से नो। सेकंड देखो, स्पीड इज मूविंग बॉडी इज हायर देन वेलोसिटी। तो इसमें इसने ये नहीं बताया है दोनों स्टेटमेंट में वो कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज इन वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन। तो वी नो दैट स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो यस दे हैव गिवन डायरेक्शन, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कंटेन्स द डायरेक्शन, तो नाउ इट इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो वी कैन से डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना है।